तो वहीं बांदा में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने शहर में कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। खुलेआम रात में कई ट्रकों से लूटपाट भी की गई और फिर कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर को गोली मार दी गई। आपको बता दें, बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर गोली मारी। कैशियर की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहां से कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, शहर मुख्यालय में ताबड़तोड़ वारदातें हुई लेकिन पुलिस वहां पर सोती रही, तो वारदातों को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। लेकिन ताबड़तोड़ यहां पर वारदातें होती रही लेकिन पुलिस सोती रही। खुलेआम रात को कई ट्रकों से लूटपाट की गई बदमाशों ने। आपको बता दें, बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बदमाशों ने शहर में कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की, कई ट्रकों को भी लूट लिया लेकिन पुलिस सोती रही। पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि शहर में ऐसा कुछ हो रहा है। खुलेआम रात को कई ट्रकों से लूटपाट भी की गई, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक में जाकर कैशियर के साथ भी लूटपाट की गई। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। पूरे शहर में कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उसके बाद कई ट्रकों को भी लूटा गया, तो देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। खुलेआम रात में कई ट्रकों के साथ लूटपाट की गई, तो बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर कैशियर को गोली भी मार दी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पता लग पा रहा है? बांदा में ताबड़तोड़ ये वारदातें होती रही लेकिन पुलिस सोती रही, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल, जो कि मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नवाब टैंक इलाके का है, जो बिल्कुल संवेदनशील इलाका है। देर रात दो मोटरसाइकिल सवार चार बदमाश आए, तो पहले तवंचा लगाकर उन्होंने दो ट्रक चालकों को लूट लिया। फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़कर बाइक से जा रहे कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर को रोककर उससे लूटपाट करने लगे। कैशियर ने जब उसका विरोध किया तो बदमाशों ने तवंचे से फायर रोक दिया। गंभीर रूप से घायल कैशियर वहीं गिर गया। बदमाश इतने बेहोश थे कि लगभग वहां आधे घंटे तक समझते थे वो फायर रोकते रहे, लेकिन पुलिस की कहीं भी वहाँ ना तो गश्त थी और ना ही कोई पुलिस वाला वहाँ आस पास दिखा। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें अपनी ओर आते हुए बदमाशों को देखा तो वो भी मौके से भाग गए। लगभग एक घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस पहुंची, तब तक बदमाश अपनी वारदात को अंजाम देकर के मौके से फरार हो चुके थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पुलिस की जो अगर व्यवस्था देखी जाए तो पूरी तरह से ढीली व्यवस्था नजर आ रही है। लगभग 24 घंटे में शायद तीसरी वारदात है जो लूट यहाँ पर घटी है। पुलिस यहाँ ना तस्करात में लगाती है, चाहे 100 डायल हो या फिर 100 डायल मोटरसाइकिल। बिल्कुल मनोज, पुलिस बेबस नजर आती है और लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।